फोर कॉर्ड्स यूज हुई हैं इस पूरे गाने में। अगर आपको इन कॉर्ड्स को बजाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस गाने को कन्वर्ट कर सकते हो सी स्केल में। कैपो लगाना होगा आपको सेकंड फ्रेट पे। तो इसको सीखना बहुत आसान है गाइस, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज दिनेश और आज हम करने वाले हैं ये वाला गाना। तो ये गाना बहुत ही हिट हो रहा है अभी यूट्यूब पे, तो आई थॉट दैट चलो मैं इसका लेसन आप लोगों के लिए रेडी करूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे इस गाने में कौन कौन से कॉर्ड्स यूज किए गए हैं, उसके बाद स्ट्रमिंग पैटर्न और देन कॉर्ड प्रोग्रेशन हम देखेंगे। उसके बाद हम इस गाने को प्ले करके भी देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कौन कौन से कॉर्ड्स इस गाने में यूज किए गए हैं। तो ये गाना डी मेजर स्केल में है, तो जो कॉर्ड्स यूज हुई हैं वो हैं पहला कॉर्ड डी, सेकेंड कॉर्ड इज बी माइनर, थर्ड कॉर्ड इज जी एंड द फोर्थ कॉर्ड इज ए। ठीक है, तो ओनली फोर कॉर्ड्स यूज हुई हैं, डी, बी माइनर, जी एंड ए। ठीक है, ए आप फिफ्थ फ्रेट पे प्ले कर सकते हो या फिर आप ओपन भी प्ले कर सकते हो। ठीक है, सेम जी के लिए आप थर्ड फ्रेट पे प्ले कर सकते हो या फिर ओपन प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो सिर्फ ये फोर कॉर्ड्स यूज हुई हैं इस पूरे गाने में। अगर आपको इन कॉर्ड्स को बजाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस गाने को कन्वर्ट कर सकते हो सी स्केल में। कैपो लगाना होगा आपको सेकंड फ्रेट पे और कॉर्ड्स को आप इजी कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कैपो लगाने के बाद कौन कौन सी कॉर्ड्स बन जाएंगी। तो कैपो लगाएंगे आप सेकेंड फ्रेट में, उसके बाद जो आपका डी था वो बन जाएगा सी, बी माइनर बन जाएगा ए माइनर, जी बन जाएगा एफ एंड जो आप ए प्ले कर रहे थे वो बन जाएगा आपका जी। ठीक है, तो कॉर्ड्स हो जाएंगी सी, ए माइनर, एफ एंड जी। ठीक है, तो सिर्फ फोर कॉर्ड्स यूज हुई हैं। अगर आप विद कैपो यूज करना चाहते हैं तो आपको सी स्केल के कॉर्ड्स प्ले करने होंगे, अगर आप विदाउट कैपो प्ले करना चाहते हैं तो डी स्केल के कॉर्ड्स आपको प्ले करने होंगे, और सिर्फ फोर कॉर्ड्स ही यूज हुई हैं। उसके बाद देखते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन। कॉर्ड प्रोग्रेशन बहुत सिंपल है इस गाने का। जो डी मेजर स्केल का एक बेसिक कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो इस गाने में यूज हुआ है। तो देखते हैं कौन सा कॉर्ड प्रोग्रेशन है। पहली कॉर्ड रहेगी डी, सेकेंड कॉर्ड इज बी माइनर, थर्ड कॉर्ड इज जी एंड द फोर्थ कॉर्ड इज ए। ठीक है, डी बी माइनर जी ए, डी बी माइनर जी ए। तो इसी कॉर्ड प्रोग्रेशन पे पूरा गाना प्ले होता है, आप इजिली प्ले कर सकते हैं। अब देखते हैं इस गाने में यूज होने वाला स्ट्रमिंग पैटर्न। तो तो ये स्ट्रमिंग पैटर्न है, डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन। दो प्लेसेस पे आपको इसी स्ट्रमिंग पैटर्न को थोड़ा स्लो प्ले करना है, तो आपका जो गाना है वहां पे स्लो रहता है, इसलिए आप इसको हल्का सा स्लो प्ले करेंगे इस स्ट्रमिंग पैटर्न को, तो आपको गाने का सेम फीलिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही स्ट्रमिंग पैटर्न है। कॉर्ड प्रोग्रेशन आपने देख लिए, कॉर्ड्स आपने देख लिए, बस अब और क्या चाहिए, इस गाने को प्ले करके देखते हैं। और उससे पहले जो लोग नए हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी रिक्वेस्ट या फिर कोई भी आपका सजेशन क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। इस चैनल पे आपको जितने भी लेटेस्ट ऑन ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं उनके गिटार लेसन मिल जाते हैं। गिटार लेसन के अलावा भी आपको यूकुलेले के लेसन मिल जाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। आप में से 50% लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल आप सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं ये गाना, प्ले करते हैं ट्रैक के साथ। आप इस गाने को ट्रैक के साथ प्ले करिए और वहाँ से गाना सीख लीजिए। कॉर्ड्स और लिरिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगी, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सारी मासूम सी
सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये परफॉर्मेंस? एक जगह पे आपको कुछ स्लाइड का साउंड आया होगा, ये वाला। तो ये वाला मैंने कैसे किया है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है। मैं अपने प्रीवियस सॉन्ग्स कवर जब मैं करता हूँ तो उसमें मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है, तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने पूछा है ये कैसे करता हूँ। तो इसको सीखना बहुत आसान है गाइस, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, सिक्स्थ स्ट्रिंग जो है उसमें आपको किसी भी फ्रेट से, मतलब जनरली आप क्या कीजिए, सेवन से स्टार्ट कीजिए या फिर आप नाइन से स्टार्ट कीजिए। अगर आप ट्वेल्व से स्टार्ट करेंगे तो आपको लेट हो जाएगा, काउंट मैच करने में मुश्किल होगी आपको, इसलिए आप आइदर सेवन से स्टार्ट कीजिए और नाइन से स्टार्ट कीजिए। आप सेवन से स्टार्ट करेंगे तो, या नाइन से स्टार्ट करेंगे तो, इस टाइप से आपको काउंट जो है आपके वो मैच करने होते हैं। जो नेक्स्ट बीट है वो आपकी कॉर्ड पे होनी चाहिए। आपने स्लाइड किया, वापस कॉर्ड पे आपको स्टार्ट करना है, तो वो टाइमिंग आपको मैच करनी होती है और कुछ नहीं है। स्लाइड करना बहुत आसान है, बट कभी कभी ये साउंड बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज अ टेक्निक,
इस साउंड को निकालने की। आई होप आपके लिए ये बहुत इजी होगा, सीख जाएंगे आप। और ये गाना आपको कैसा लगा, मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे, एक और नया गाना लेके आएंगे आप लोगों के लिए। आप तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, सी यू।